अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी तो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं जेनफर्म लाइफ साइंसेस की एक बहुत ही खास प्रोडक्ट है। सब लोग जानना चाहते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों के वेबसाइट पर और मुख्तलिफ जगहों पर जो है कमेंट पड़े हैं, और वो यही एक दूसरे से कंफर्म करने की कोशिश कर रहे थे कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, कोई नुकसान तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। और इसका रिव्यू करने के लिए मैंने ये प्रोडक्ट खुद खरीदी है और तकरीबन 4 से 5 महीने से मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूं, और वो है जी मैंडेलिक सीरम, मैंडेलिक एसिड सीरम। ये एक तरह से स्किन पीलिंग का काम करता है, डेड स्किन को जो है वो रिमूव करता है और स्किन को जो है हेल्दियर और ब्राइटर बनाता है, स्किन टोन को इम्प्रूव करता है। और इवन के इसके मुसलसल इस्तेमाल से जो डार्क स्पॉट्स, जो छाइयाँ वगैरह होती हैं, पिगमेंटेशन होती है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है फेड आउट हो जाती, थोड़ी सी कम हो जाती है। जो दूसरा बड़ा इसका फ़ायदा है वो है जी एक्नी को भी क्योर करता है। ये ख़ास तौर पर एक्नी प्रोन स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो अब हम बात करते हैं कि ये काम किस तरह से करता है, कौन से स्किन वाले जो हैं इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें जो है सबसे पहले हम बात करेंगे ऑयली स्किन वाले। ऑयली स्किन वाले भी इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये स्किन को ड्राई आउट करता है। ऑयली स्किन वालों को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं और उनको कोई इसका साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। उसके बाद है जी ड्राई स्किन वाले। ड्राई स्किन वाले जो है इसको इस्तेमाल करें, जरूर करें, लेकिन उसके बाद कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर, नाइट क्रीम या फिर जो है हेलेरोनिक सीरम का इस्तेमाल जरूर करें। तीसरे नंबर पर आती है जी कॉम्बिनेशन स्किन जो होती है, या फिर नॉर्मल जो हमारी स्किन है तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल स्किन टाइप जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्नी है, एक्नी प्रोन स्किन है, पिंपल्स हो जाते हैं, पिगमेंटेशन है, वक्त से पहले जो है आपके चेहरे के ऊपर जो है रिंकल्स आना शुरू हो गए हैं, तो उन सब के लिए जो है ये वाला सीरम जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। ये वाला जो सीरम है ये 3 in 1 है, एंटी एक्नी है, स्किन ब्राइटनिंग है, एंटी रिंकल है, तो तीन काम ये करता है। तो अब हम बात ये करेंगे कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्नी प्रोन स्किन वालों के लिए। एक्नी प्रोन जिनकी स्किन है वो इसको डायरेक्ट जो है अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई ना करें। उन्होंने इसको क्या करना है, हमने 1 से 2 ड्रॉप जो है अपने हथेली पे लेने हैं और उसके बाद अपनी फिंगर की मदद से जो है हमने स्पॉट ट्रीटमेंट करना है। जहां जहां पर आपकी एक्नी है आपने वहां वहां पर ये जो सीरम है लगा लेना है, और 10 मिनट के लिए इसको जो है ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। अच्छी तरह से जब ये स्किन में पेनिट्रेट कर जाए तो उसके बाद आपने जो फर्दर स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं वो आपने सही तरतीब के साथ इस्तेमाल करना है। मतलब अगर आप हेलोरॉनिक सीरम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके बाद वो वाला अप्लाई करें, और उसके बाद जो है नाइट क्रीम का इस्तेमाल करें। और अगर आप विटामिन सी सीरम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैंडलिक सीरम लगाना है आपने, उसके बाद जो है विटामिन सी सीरम लगाना है, उसको थोड़ा सा पेनिट्रेट होने का टाइम दें, और उसके बाद हेलेरोनिक सीरम अप्लाई करें, और उसके बाद एंड पे जो है कोई भी नाइट क्रीम लगाएं। तो मकसद ये है बताने का कि अगर हम अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स को सही तरतीब से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें उसके जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वो नहीं मिलेंगे। ये बात हमने कर ली एक्नी प्रोन स्किन की। एक और बात यहाँ पे मैं क्लियर करूंगी कि आपने जब इसको बाय किया, इस्तेमाल करना शुरू करना है, पहले आपने हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें। जब देखें कि आपको ये सूट करने लगी है, कोई एलर्जी, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो आप इसको 3 से 4 दिन पे जाएं, 4 से 5 दिन पे जाएं, और फिर जो है डेली इसका इस्तेमाल करना शुरू करें। रात के टाइम पर दिन में एक बार हमने इसका इस्तेमाल करना है, ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसका इस्तेमाल बढ़ाएंगी तो आपको इसका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप इनकी वेबसाइट पे जाकर देखें, कुछ लोगों ने फीडबैक दी है, या अक्सर आपने सुना होगा लोग कहते हैं जी हमने
जो है मेंडलेक्स सीरम इस्तेमाल किया या AHA फार्मूला इस्तेमाल किया तो हमारी स्किन जल गई। तो उसका मतलब यही होता है कि आपकी स्किन को ये सूट नहीं किया या फिर आपने इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है जी। तो ये बात होगी एक्नी प्रोन स्किन की, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, तमाम स्किन वाले इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसकी बात करूंगी कि आपने एक्नी प्रोन स्किन पे अगर पूरी तरह से अप्लाई नहीं करते हैं तो जो है स्पॉट ट्रीटमेंट कर लें अगर आपको सूट नहीं कर रहा है। अगर आप कहते हैं कि जी हमारी स्किन के ऊपर जो है ये एलर्जी करता है या हमें जो है इचिंग होती है तो आप ने इसको इस्तेमाल इस तरह से करना है। बाकी सीरम्स जो होते हैं वो हम डायरेक्ट अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। इसको आपने क्या करना है, अपने हाथ के ऊपर 3 से 4 आपने ड्रॉप लेने हैं। ये 3 से 4 मैक्सिमम 5 ड्रॉप हमें लेने हैं। इस तरह से आपने जो है रब करना है और उसके बाद आपने अपने पूरे फेस पर जो जो एरियाज हैं आपने उसके ऊपर इस तरह से प्रेस करते हुए जो है वो लगा लेना है। ना तो हमने मसाज करना है और ना ही बहुत ज्यादा जो है इसको प्रेशर देना है। इस तरह से हमें अच्छी तरह से लगा लेना है, जैसे कि आप देख सकते हैं जी अप्लाई करना है। और उसके बाद हमने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए आपने इसको ऐसे ही रहने देना, इसके ऊपर कोई प्रोडक्ट जो है वो अप्लाई नहीं करना, ताकि ये अच्छी तरह से हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाए और अपने जो है बेनिफिट्स हमें ज्यादा से ज्यादा दे सके। ये एप्लीकेशन वाली वीडियो जो है इसका जो प्रॉपर तरीका है इसको अप्लाई करने का, वो आपको जो है जेन फार्म लाइफ साइंसेस की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां पर भी मिल जाएगी। अगर आप इसको बाय करना चाहें तो पहले उन वीडियोस को देख लें ताकि आपका जो विजन है बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है ताकि हमें इसके बेनिफिट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें। ये हमने बात कर ली एक्नी प्रोन स्किन की, हमने बात कर ली स्पॉट ट्रीटमेंट की, बात कर ली इसको जो है अप्लाई किस तरह से करना है वो भी बात हो गई। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो है स्किन को ड्राई करता है, डेड स्किन को रिमूव करने में मदद करता है। तो जब आपने इसको इस्तेमाल करना शुरू करना है तो हफ्ते में कम से कम एक बार जो है स्किन की एक्सफोलिएशन आपने ज़रूर करनी है। स्किन को हल्के हाथों से आपने स्क्रब करना है ताकि जो भी डेड स्किन है वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। इसके साथ अगर आपकी ड्राई स्किन हो रही है बहुत ज़्यादा तो आपने इसके साथ जो है हेलरोनिक सीरम का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ये है मेरे पास रिवाज का, मैंने लिया है हेलरोनिक सीरम, तो ये बहुत अच्छा है, आप लोग ये भी बाय कर सकते हैं। तो ये इसका जो है वो ये सारा प्रोसेस है, इस तरह से लगाना है। एंड पे मैं ये कहना चाहूंगी कि इसका वाकया ही फायदा होता है। अगर आपकी जो स्किन है वो 30+ है, जो है 30 से ऊपर हम जा रहे हैं, तो इसको जरूर जो है इस्तेमाल करें ताकि हमारे जो स्किन के ऊपर उम्र के साथ साथ जो पिगमेंटेशन हो जाती है, हल्की हल्की रिंकल्स, फाइन लाइंस आना शुरू हो जाती हैं, तो हम उनको जो है अच्छी तरह से ट्रीट कर सकें और हमारी स्किन जो है पहले से ज़्यादा यंग फील हो, ब्राइटर हो और हेल्दियर हो। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।